संयम नहीं लेते कोई बात नहीं। छह आवश्यक है ना, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय और स्वाध्याय, फिर देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयमस्तपा, दानम चेती, गृहस्थानाम षटकर्माणि दिने दिने, ये छह कर्म हैं। लेकिन इन्हें मुख्य नहीं बोला है। मुख्य किसे बोला है? कौन सी चीज को बोला है, किसको बोला है? दान और पूजा। आप ये करो बस। फिर क्या बोल दिया आकर? त्रियंच नारक भव कभी जिन भक्त को मिलता नहीं। जो ये दो काम करता है, दान और पूजा, वो त्रियंच गति और नरक गति में कभी नहीं जाता। कितना इजी है तुम्हारा धर्म। क्या करना है अभी शिविर में, क्या कर रहे हो? दानम पूजा मुखम। समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं? दान और पूजा, पूजा की, नाच गा के। ये तुम्हारा धर्म है, ये तुम्हारा मुख्य धर्म। हम नाच गा के नहीं कर सकते, हमारा धर्म नहीं है। महावृत्तियों का वृत्ति किसका धर्म है? सदगृहस्थ का। संयम लेना ले सकते हो, जबरदस्ती नहीं, कंपलसरी नहीं। समझ में आ रहा? तो क्या समझ में आई आज बात? हमारा, हम ग्रस्त हैं, हम उतना ही पढ़ें, उतना ही जानें जितना हमारे काम का है। समझ में आ रहा? लंबी लंबी बातें करने से कि मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, ये बकवास से कुछ नहीं होता। वो तो उनके लिए हैं जो वनवासी मुनि महाराज होते हैं, है ना। हमारे लिए भी नहीं है। हमारा भी अभी बताएंगे मुख्य धर्म क्या है, गौण धर्म क्या है। समझ में आ रहा? तो तुम्हारा मुख्य धर्म कौन सा हुआ? यदि किसी श्रावक ने संयम ले लिया, गलत किया कि सही? बोलो, ले सकता है, नो प्रॉब्लम, है ना। किसी ने स्वाध्याय कर लिया, कर सकता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन यदि वो कहे कि दान और पूजा छोड़ के मैं स्वाध्याय करूं, अब प्रॉब्लम है, है ना। अब क्या है? अब प्रॉब्लम खड़ी हुई। अब आप ना, आपके हाथ दान लगा, ना पूजा लगी, ना स्वाद, कुछ नहीं। आपको नंबर कितने मिलेंगे? जीरो। समझ में आ रही नहीं आ रहा? क्लियर हो रही बात? मुख्य धर्म कौन सा तुम्हारा? दान और पूजा। गौण धर्म कौन सा तुम्हारा? स्वाध्याय, संयम, तप, बस ये तुम्हारा गौण धर्म। कुछ गड़बड़ लग रहा? कोई प्रश्न, कोई शंका, कोई डाउट? बोलिए, आप कौन सी भूमिका में हैं? सदग्रस्त की। सदग्रस्त का मुख्य धर्म कौन सा है? दान और इसके अलावा कुछ नहीं। प्रतिक्रमण आवश्यक है क्या आपके लिए? नहीं, वृत्ति के लिए आवश्यक। आपकी प्रतिमा है क्या? आपने संयम लिया है क्या? तो प्रतिक्रमण क्यों करना? कोई जरूरी नहीं। समझ में आ रहा? सामायिक क्यों करना? मन करे तो कर लो, है ना। पूजा तो आवश्यक है ना। आगे बढ़े, इतना विषय परफेक्ट, क्लियर, अच्छा लगा, समझ में आ रहा है कि लंबी लंबी बातें करूं? बातों के बादशाह मत बन। हमारी समाज में यही हो रहा है, बातें बहुत गहरी गहरी हैं। और ये तो दो चीज तो कर सकते हो ना, ना ये बात बड़ी है और तुम्हारा आवश्यक भी है। समझ में आ रहा? पूजा करना कोई बहुत बड़ी बात है क्या? नहीं है। लेकिन तुम्हारा क्या है? ये धर्म है। क्लियर हुआ? नहीं आ रही समझ में बात? आ रही ना। व्रति का मुख्य और गौण धर्म कौन सा है? अब देख, अभी तपन ने किसकी बात की? आवृत्ति की, ग्रस्त की। अब किसकी? मान लो किसी श्रावक ने प्रतिमा ले ली, अब उसका मुख्य धर्म कौन सा है? है? नहीं, जिस प्रतिमा में है उसके गुण। जैसे पहली प्रतिमा है उसको भी सामायिक जरूरी नहीं, तीसरी प्रतिमा से सामायिक जरूरी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? दूसरी वाला कर सकता है,
सामायिक करना चाहे तो, लेकिन तीसरी वाली को कंपल्सरी। समझ में आ रहा नहीं आ रही बात? अभी प्रतिमाएं भी समझाएंगे आपको धीरे धीरे। तो अपन व्रती के लिए जो उसने व्रत लिए हैं वह तो उसका मुख्य धर्म है ना, और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा कर रहा है वह उसका क्या है, गौण धर्म है। समझ में आ रहा? कंपल्सरी और एक्स्ट्रा बढ़ा के, वो उसका गौण धर्म है। नंबर काय के मिलेंगे, मुख्य के ही मिलेंगे। समझ में आ रहा? वो एक्स्ट्रा जो कर उसके नंबर नहीं मिलेंगे, वो उसकी साधना है। समझ में आ रहा? प्रैक्टिस है, नहीं आ रहा? हाँ या ना? आवाज ही नहीं निकल रही है। भोजन पसंद नहीं आया क्या, या क्लास पसंद नहीं आ रही? नहीं, भोजन तो बहुत अच्छा था महाराज, ये क्लास नहीं आ रही है पसंद थोड़ी सी। नहीं आ रहा? मुनि के 28 मूल गुण मुख्य धर्म है। समझ में आ रहा? कौन सा धर्म है? 28 मूल गुण मुनियों के क्या है? मुख्य धर्म। लेकिन आतापनादि तपना, वनवास जाना, ये उनका गौण धर्म है। जा सकते हैं, नहीं जा रहे तो कोई आपत्ति नहीं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? क्लियर हो रहा नहीं आ रही बात समझ में? क्या समझ आया? देखो मैं आपको ऐसे भाग आग नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको श्रावक का जीवन कैसे जीना है उतना ही बताऊंगा, है ना, क्योंकि वो ही हमारे काम का है, वो हम कर सकते हैं, कोई कठिन नहीं है। वो ज्यादा लंबी लंबी बातें करो तो धर्म बहुत कठिन हो जाएगा, ना तुम ये कर पाओगे ना तुम वो कर पाओगे। समझ आ रहा? हाँ माइक दो। सो रहे हो? ये माइक देना तुम्हारा गौण धर्म है, मुख्य धर्म तो इसका है, माइक वाले का। मैं पूछ रही थी, वो आपने बोला पूजा और दान हमारा मुख्य धर्म है, तो अभी ये जो काल गया, बीत गया काल, और अभी जो चल रहा है, तो हम कैसे करें कि वो चीज़ पूरी हो सके, सामायिक ये पूजा और दान कर सकते हैं? नहीं तो घर में डेली करना है वो चीज़, जो जैसे भाई ग्रुप में मिलके जूम में कर लिया वो चलो ठीक है, लेकिन घर में भी उसी विधि से रोज करना चाहिए क्या कि नहीं? क्या आपत्ति है? तुम्हारे घर में मुनि महाराज आए आहार में, पूजा करते हो कि नहीं घर में? वैसे भगवान की कर लो, आपका मुख्य धर्म। मुनि महाराज की भी तो घर में ही पूजा करते हो, जब पड़क के पहुंचते हैं कि क्या बोलते महाराज, पड़क तो गए अब चलो तुम्हारी मंदिर में पूजा कर दें, फिर चौकी में आना, हम घर में पूजा नहीं करते। तो घर में पूजा का विधान तो है ना, अभिषेक का नहीं है, चैत्यालय नहीं तो अभिषेक मत करो, पूजा तो कर सकते हो, अष्टद्रव्य की थाल लगा लो और जिनवाणी रख करके आप पूजा कर लो भगवान, क्या दिक्कत? हाँ उधर। हेलो गुरुदेव, जो दान बताया गया है वो किस प्रकार करने का है? दिन मतलब वो अभी बताएंगे, अभी तुम मुख्य और गौण समझ लो, क्योंकि अब मुख्य गौण मुख्य की अपन व्याख्या करेंगे। समझ में आया? और किसी को शंका? घर में भी पूजा कर सकते हैं, अभिषेक का जल बोरिंग का हो या कुएं का हो, कुआं मुख्य है, बोरिंग गौण धर्म है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर हो रहा? लेकिन सामग्री के लिए वो ऐसी जरूरत नहीं है, वो आप घर के जल से भी धोके घर में कर सकते हैं। समझ में? सामग्री थोड़ी भगवान के ऊपर डालना है, जल डालना उसकी विशेष शुद्धि लिखी। समझ में आ रहा? क्लियर हुआ? आगे बढ़े। जो तुमने व्रत लिए हैं वो तुम्हारा मुख्य धर्म है, जो तुम नहीं लिए व्रत फिर भी कर रहे हो वो क्या है तुम्हारा? एक्स्ट्रा।
प्लस पॉइंट नहीं, नंबर तो उसके ही है, प्लस के नंबर नहीं है, क्योंकि तुमने नियम ही नहीं लिया है। जितना जितना नियम है उतना उतना नंबर है, वो प्लस तुम्हारा अभ्यास है ना। अभ्यास के नंबर मिलते हैं क्या? किसके मिलते हैं? आउट ऑफ कोर्स के नंबर नहीं मिलते, है ना। काय के मिलते हैं नंबर? जो कोर्स में है तुम्हारे। समझ में आ रहा? क्लियर हुआ? अब देखते हैं, दो चीज हो गई, अब आप टेंशन फ्री हो जाओ, है ना। आपको दो ही चीज करना है जिंदगी में, क्या करना है? दान और पूजा। बाकी करना चाहो तो करो, हम मना नहीं करेंगे, लेकिन आवश्यक नहीं।